नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि जो हमारे समाज में जीपीए सेल्स का ट्रेंड बढ़ा हुआ है, मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे जो फर्दर रजिस्ट्रियाँ होती हैं उनमें क्या रिस्क रहता है। तो दोस्तों, जीपीए सेल्स क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जीपीए क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को एक जीपीए एग्जीक्यूट करके दे देता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको इस प्रॉपर्टी के सारे हक देता हूँ, आप इसको फर्दर सेल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, इस पे आप तामीर करा सकते हो, कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, आप इसके बेस पे जो है अपने कमेटी में नाम चेंज करवाएं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अपना मीटर नाम लगवाएं। तो दोस्तों, ऐसे हक जो है एक इंसान जीपीए के थ्रू दूसरे इंसान को दे देता है। और ऐसे अब देखिए, जो हक ट्रांसफ़र होते हैं, बल्कि जो ट्रांसफ़र होती है वो रजिस्ट्री के थ्रू होती है। तो लोग जीपीए क्यों कराते हैं? जीपीए इंसान तब करवाता है जब उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, लेकिन वो सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है कि भाई उसको रीसेल करनी है। जैसे ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वो उसको रीसेल कर देगा, और जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है वो रीसेल करने को तैयार हो जाता है, और आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे होते हो तो आपको क्या क्या रिस्क है, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 3 रिस्क के बारे में जो अगर आप जीपीए होल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कौन से जो है क्लाउड वो छा सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है दोस्तों कि एक जीपीए सिर्फ एग्जीक्यूटर की लाइफ टाइम के दौरान ही वैलिड रहती है। जी हाँ दोस्तों, देसी भाषा में मैं कहूँ तो जब तक एक इंसान जीता है, जिंदा रहता है, उसकी जीपीए तब तक ही जिंदा रहती है। जैसे ही इंसान गुजर जाता है तो जीपीए भी उसी टाइम गुजर जाती है और वो कैंसिल हो जाती है। और अगर एक रजिस्ट्री की डेट के पहले वो इंसान गुजर जाता है और जीपीए कैंसिल हो चुकी है, तो अगर रजिस्ट्री हो भी जाती है तो भी वो वॉइड ही होगी, वो किसी भी टाइम कैंसिल हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई उस जीपीए के बेस पे एक रजिस्ट्री होगी, उस रजिस्ट्री के बेस पे फर्दर 3, 4, 5 रजिस्ट्री होगी है, तो जिस दिन भी बात कोर्ट में जाएगी वो रजिस्ट्री सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा रिस्क रहता है वो होता है फेक जीपीए का। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो है अगर वो प्रॉपर्टी का मालिक और वो ट्रेसेबल नहीं है, तो जिसको पता है कि भाई इस प्रॉपर्टी का मालिक ट्रेसेबल नहीं है, तो वो उस प्रॉपर्टी को फ्रॉड के मार्फत बेचने की कोशिश करता है एक फर्जी जीपीए तैयार करके। और हमें जो पता भी नहीं होता, अगर हम उस एरिया में नए हैं तो हमें नहीं पता होता कि भाई वो प्रॉपर्टी की जो जीपीए उसके पास है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप फेक जीपीए से जो है, अगर आप जीपीए को वेरीफाई नहीं कर सकते हो, आपको अगर जो है जीपीए एग्जीक्यूटर का नहीं पता है कि वो जिंदा है नहीं है, तो आप जीपीए से प्रॉपर्टी लेते हुए सतर्क रहें। उसके बाद दोस्तों, अगर कई बार क्या होता है कि जो मालिक होता है वो खुद जो है फ्रॉड करने की कोशिश करता है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा रिस्क रहता है वो होता है एक से ज़्यादा जीपीए। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार कुछ फ्रॉड है, लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा जीपीए के थ्रू बेच देते हैं, जिनमें उनको पता है कि भाई ये परचेजर जो है शहर से बाहर रहता है, इस एरिया का नहीं है, तो वो इसका पोजेशन जो है लेट लेगा। तो अब वो उसको अगर पोजेशन में नहीं लेता है परचेजर, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, तो वो क्या करता है, जो ओनर होता है वो किसी और जीपीए के थ्रू किसी दूसरे इंसान को वो प्रॉपर्टी बेच देता है, और जो दूसरा परचेजर रहता है उसके साथ वो फ्रॉड हो जाता है, जिससे पैसे भी ले लेता है और उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने जाना कि एक जीपीए के थ्रू अगर कोई सेल डीड रजिस्टर हो रही है तो उसमें क्या क्या रिस्क हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो में दी जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।